क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसे सहाबी थे जिनका बैंक अकाउंट आज भी एक्टिव है और उस खाते से हर साल लगभग 40 मिलियन डॉलर गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आइए जानते हैं। दरअसल आज से 1400 साल पहले जब मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना हिजरत के लिए गए थे तब वहाँ पर एक यहूदी कुआं का मालिक था और वह कुआं का पानी मुसलमानों को ज़्यादा रेट में दिया करता था और गैर मुस्लिमों को कम रेट में। तो सभी मुसलमान उस समय उनके पास पैसा नहीं था क्योंकि वो घर बार छोड़कर गए थे, तो सभी मुसलमान मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास ये शिकायत ले गए कि हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है और बाकी लोगों का कम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर जो कोई ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक बहुत बड़ी नहर अता करेगा। तो उस समय सबसे अमीरों की लिस्ट में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आता था। तो वे उस समय बहुत मालदार थे, तो उन्होंने ये कुआं खरीदने के लिए जब ये बात इस बात का पता चला तो वे ये कुआं खरीदने के लिए बस उस यहूदी के पास पहुँचे, तो वह यहूदी ये कुआं बेचने से मना कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि तुम पैसा पूरा ले लो लेकिन कुआं उसके बदले में मुझे पूरे के बदले में बल्कि आधा ही कुआं मुझे दे दो। तो इस बात पर वह यहूदी शख्स मान गया और आधा कुआं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया और आधा अपने पास रख लिया। तो आधा कुआं मतलब ये एग्रीमेंट साइन हुआ उन दोनों के बीच कि एक दिन पानी तुम बेचना एक दिन हम बेचेंगे। तो उस यहूदी को लगा कि ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बेचेंगे पानी, लेकिन जब उनका दिन आता था तो वे टोटली फ्री सबके लिए कर देते थे पानी और बाकी जब उस यहूदी का दिन आता था तो फिक्री नहीं होता था क्योंकि जब पानी लोग फ्री पाने लगे तो एक दिन के बजाय दो दो दिन के लिए पानी रखने लगे अपने पास। फिर क्या जब उसकी बिक्री कम हो गई मतलब कोई ग्राहक नहीं आता था तो उस यहूदी ने वो आधा कुआं भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बेच दिया और पूरे कुएं का हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक बन गए, मतलब पूरे कुआं खरीद लिया। तो अब सबके लिए वो पानी फ्री था, तब से लेकर आज तक सबके लिए मतलब इस्लाम के रास्ते पर दीन के रास्ते पर उन्होंने वो कुआं वक्फ कर दिया। फिर उसके बाद एक मुसलमान और आया और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगा उस्मान ये कुआं तुम मुझे डबल रेट पर दे दो, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर ऐसे करते करते वो 4 गुना 6 गुना और 10 गुना तक वो रेट बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं ये कुआं नहीं दे सकता क्योंकि इससे ज़्यादा कीमत मुझे कोई और दे रहा है। तो वो आदमी आखिर में पूछने लगा कि ये कौन दे रहा है, मतलब तुम्हें इससे ज़्यादा रेट कौन दे रहा है तुम्हें इस कुएँ का। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इससे ज़्यादा रेट मुझे मेरा रब दे रहा है, मतलब मेरा अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा अता करेगा फ्यूचर में जाकर। फिर क्या उस कुएँ के पास कुछ पेड़ लगाना शुरू कर दिए लोग। अब तब से लेकर अब तक कुल अब जब तक सऊदी हुकूमत बनी तब से लेकर आज तक मतलब वहाँ पर एक खजूर का बगीचा, मतलब 1600 पेड़ के खजूर का बगीचा है जिस बगीचे का नाम भी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से रखा गया है और उससे जितनी भी कमाई होती थी सऊदी गवर्नमेंट हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का एक अकाउंट खोला था, उसी में पैसा जमा करते थे। जब बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो उनके नाम से एक ज़मीन ले लिया गया और उन्हीं के नाम से उस ज़मीन पर एक होटल बना दिया गया और उस होटल से जितना खर्च और कमाई होता था उनका आधा पैसा गरीबों में बांटा जाता है और आधा पैसा उनके अकाउंट में आज भी जमा कर दिया जाता है। मतलब आज भी ये काम हो रहा है, मतलब हर साल 40 मिलियन डॉलर गरीबों में बांटा जाता है और 40 से 50 मिलियन उनके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और देखा जाए तो सच में यार आज भी उनके मतलब उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह उन्हें दे रहा है, मतलब नेकियां उनके अकाउंट में अभी भी जा रही है, मतलब जो खर्च हो रहा है फिर उन्हीं के पास नेकियां सबका जरिए के तौर पर दिए थे और उन्हें नेकियां आज भी मिल रही है इसके बदले में।